अखिल भारतीय छत्री महासभा की महिला इकाई द्वारा अंबे माता मंदिर खाचरुद नाके पर रानी लक्ष्मी की जयंती के साथ दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता बबीता रघुवंशी ने कहा, गरीब बच्चों के उद्धार के लिए कार्यक्रम होना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं व धनाढ्य व्यक्ति पाँच पाँच गरीब बच्चों के स्वास्थ्य व शिक्षा की जिम्मेदारी ले तो उन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। अखिल भारतीय छत्री महासभा महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष हिमलता तोमर ने कहा कि रानी लक्ष्मी बाई युद्ध के दौरान झांसी से कालपी और कालपी से ग्वालियर तक आई थी। सरकार द्वारा उक्त मार्ग को रानी लक्ष्मी बाई के नाम से विकसित करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी महान स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना लक्ष्मी बाई को याद कर उनके इतिहास को जान सके। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर शिव कुमार राठौड़, मंजू कुमार देवड़ा, साधना सिकरवार, राजरानी सिकरवार, दिव्या सिकरवार, उषा सिकरवार, ममता चौहान, लीला चौहान, रंजना तोमर, हेम कुंवर राठौड़, सोनू चौहान आदि मौजूद थी। बाकी आज अपने को छोटा सा प्रोग्राम रखना है। भाभी बोले ठीक है, तो सुबह 10 बजे सबको खबर करी, जितना भी मेरे से बना अपना कर लिया छोटा सा प्रोग्राम। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार मानती हूँ, और आप लोगों को एक ही सुझाव दूंगी कि नर और नारी, नर में कोई मात्रा नहीं है, नारी में मात्रा है। आप लोग कभी भी अपने को कमजोर मत समझो मात्रा से, क्योंकि अपने को दो मात्रा वो दी है, इसलिए मात्रा शक्ति को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेरी एक छोटे से नगर अध्यक्ष से आज राष्ट्रीय प्रदेश में गई हूँ, वो बहुत संघर्ष करा, वो संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए आप लोगों को, और हमेशा आप मेरे को सहयोग करो, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पर बना रहे। दीदी चाची और भाभी और सबका आशीर्वाद, भाभी का आशीर्वाद आपको तो पता है कि फरवरी में मेरे पर कितना बड़ा संकट आया, 27 फरवरी का संकट आया, और 27 मार्च को मैंने घर से आके एक बात की थी दीदी प्रभू से, उस चीज के लिए कि जिस दिन उनकी तिथि थी उसी दिन बोले कि यहाँ मैंने ऑर्डर करा कि 10 किट लानी है, तो समाज के और मीणा समाज के व्यक्तियों को मैंने जात बिल्कुल नहीं देखी कि ये कौन जात के किया है, हर व्यक्ति को मैंने सेवा दी। और हमेशा देखो मेरे को देख के आप लोगों को भी हिम्मत आना चाहिए कि इतना बड़ा संकट आने के बाद भी मैं समाज को अर्पण हो गई और हमेशा अर्पण रहूंगी। अभी की बात है कि बंजारा बस्ती की बात है, एक पीरू नाम का उनका पेड़ कटने की नौबत आ गई थी, तो उंगली काटी, 27,000 रुपये लगे हो गए, वो 27,000 रुपये में से 10,000 रुपये अपने मनोज राठी जी ने दिए, अशोक मालवी जी ने दिए, श्याम भैया ने दिए, महेश भैया ने दिए, और 3,000 सेलन बनाने दिए, यूँ करके हमने पूरा खर्चा उसका उठाया। हाँ, और कल एक समाज की बेटी और थी, तो अभी भर्ती है भाभी आपने इंदौर में, तो 3,00,000 रुपये तो लग चुके मेघनाथा हॉस्पिटल में। अभी कल नागदा के सब भी जिनने भी सहयोग दिया उनका मैं आभार मानती हूँ, 2,500 रुपये हमारे श्याम भैया ने दिए, और 50,000 रुपये उस बेटी के लिए कल अपन ने खाते में डाले। जय माता। और अभी तक ऐसा आपके आसपास कोई भी हो आँख के ऑपरेशन के लिए कि कोई दुखी हो एकदम तो मेरे पास आओ, मैं बरोबर उसकी सहयोग जन सेवा में कि जाम रहा कि कहीं भी आँख के लिए बरोबर उनकी सेवा में लगी हूँ। कभी आप आधी रात को भी मेरे लिए मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ, आपके आसपास भी कोई संकट में हो तो मेरे को जरूर आप लोग बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद।